नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं उन सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बना रहा हूँ जो कि उनके मोबाइल में प्ले स्टोर शो नहीं कर रहा है, यानी कि प्ले स्टोर उनके मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा है, और उनको उस इस मोबाइल में कैसे वो प्ले स्टोर को लाना है उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये इलूगा i7 है जो कि विभाग के तरफ से मिला हुआ है सभी आंगनबाड़ी बहनों को, और उसमें क्या है कि किसी किसी आंगनबाड़ी बहन के मोबाइल में जो है कि प्ले स्टोर शो नहीं कर रहा है। जैसा कि देख सकते हैं मेरे में भी प्ले स्टोर शो नहीं कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर मैं सारा जानकारी दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप सबको इसका जानकारी समझ में आ जाए। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेटिंग करेंगे जो कि सेटिंग करने के बाद आपका प्ले स्टोर फिर से वापस आ जाएगा, और इसमें प्ले स्टोर में मैं पोषण ट्रैकर ऐप को लॉगिन करके भी दिखाऊँगा कि कैसे लॉगिन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मोबाइल के सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उस सेटिंग के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई दे जाता है, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी पे हम लोग फिर से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रोल करते जाएंगे उसके बाद जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी पे फिर से क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि इसको हम लोग इनेबल करेंगे तो हम लोग का इनेबल हो जाएगा, यानी कि फिर से जहाँ प्ले स्टोर होना चाहिए वहाँ फिर से हम लोग का प्ले स्टोर चला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन का ऑप्शन हट गया है, तो अब लोग हम चल के चेक कर लेते हैं कि हम लोग के मोबाइल में वहाँ पर प्ले स्टोर आ चुका है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में यहाँ पे प्ले स्टोर आ चुका है, तो अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही वाला आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं उसके बाद, और जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि यहां पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, जो पोषण ट्रैकर मैंने कल इंस्टॉल करने का कोशिश किया था तो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम लिख के आ रहा था, तो मैं कल बहुत ट्राई किया लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ। तो आप लोग के मोबाइल में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसी टाइम इसको इंस्टॉल ना करें, उसके नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट डे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मेरा देखिए इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन अकाउंट है उसको यहाँ पे डालना है, और यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको भाषा समझने में आसान हो। मैंने हिंदी में कर लिया है, तो आप ये देखिए पूरा हिंदी में आ चुका है। अब आप लोग इसमें अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के आप लोग इसमें लॉगिन हो जाएंगे। इसमें लॉगिन कैसे होना है, तो अगर आप लोग वो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा जानकारी बताया है कि कैसे लॉगिन करना है और कौन से नंबर से लॉगिन करना है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।